अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था फर्स्ट एड के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ इमरजेंसीज, नीचे दिया हुआ था उनको थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए, आपको एक यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है एक साइन, ठीक है। तो वहाँ पर एक आदमी है, ठीक है। इसका मतलब होता है, देखिए, नो पेडेस्ट्रियन, ठीक है। यानी ये इसका मतलब ये कह रहा है कि आपको इस जगह पे चलना नहीं है, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी पार्टिकुलर एरिया को डिज़ाइन किया हुआ होता है वॉकिंग के लिए, तो नो पेडेस्ट्रियन इन उन जगहों पे जो है ये लगा होता है जिन जगहों पे, तो इसका मतलब कह रहा है आपको उस जगह पर वॉकिंग नहीं करना, जाना नहीं है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, नो लेफ्ट टर्न, आपको इस जगह पर इसका मतलब होता है लेफ्ट टर्न नहीं लेना, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए थर्ड पोर्शन, आपको इस पे जो है आपको यू टर्न नहीं मारना, डायरेक्ट जो है टर्न पीछे की तरफ नहीं मुड़ना है, ठीक है। इसका और नेक्स्ट साइन का मतलब है नो एंट्री, आपको इस साइन यहाँ जहाँ पे ये साइन नज़र आता है उस साइन में आपको नहीं जाना है, ठीक है। उस जगह पे आपको नहीं जाना, नो एंट्री। इसी तरह नो हॉन्किंग, उस जगह पे आपको जिस जगह ये साइन दिखे उस जगह पे आपको हॉर्न नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह नो राइट टर्न, आपको राइट टर्न नहीं करना, ठीक है। स्पीड ब्रेकर और जिस जगह ये पोर्शन लगा हुआ हो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, अपना ब्रेक लगाना है, अपने कार का या अपने गाड़ी का ब्रेक लगाना है, स्पीड ब्रेकर वहाँ पे लगा होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका आता है देखिए, फोर कट्स एंड स्क्रैच, ठीक है। जो कट होता है आपके बॉडी के किसी पार्ट पे, अगर कट लगता है या स्क्रैच होता है तो क्या करना, डू नॉट नेगलेक्ट एनी वॉन्ड हैव एवर माइनर, ठीक है। को किसी भी वॉन्ड को, किसी भी जख्म को आप आसानी मत लीजिएगा, ठीक है। ऐसे छोड़ मत दीजिएगा कि यार क्या है यार ये, कुछ भी नहीं, ऐसे छोड़िएगा मत, ठीक है। जर्म्स कैन एंटर ए बॉडी थ्रू अनकवर्ड कट और वॉन्ड एंड कर्ज इन्फेक्शन, ऐसे भी जगहों से जो है जर्म्स आपके बॉडी के अंदर अंदर एंटर करता है जो अनकवर्ड होता है, ठीक है। और उस वॉन्ड के थ्रू जो है वो जर्म्स एंटर करके आपके बॉडी में क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, ओके। वॉश योर हैंड बिफोर गिविंग फर्स्ट एड, अपने हाथ को पहले धोइएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने हाथ को फर्स्ट एड देने से पहले अपने हाथ को अच्छे से धोना है। एज जर्म फ्रॉम डर्टी हैंड्स में इन्फेक्ट द वॉन्ड, फॉर क्योंकि जर्म्स ज़्यादातर क्या करते हैं, जो डर्टी हैंड होता है, गंदा हाथ होता है, वो ज़्यादातर जर्म्स उसके थ्रू आके उस वॉन्ड को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, वॉश अवे ऑल डर्ट अराउंड द वॉन्ड, वॉन्ड जो आपको जख्म लगा होगा उसके इर्द गिर्द जितनी भी डर्टी आपको डर्ट वहाँ पे गंदा दिखाई दे, उन सबको पहले आपको क्या करना है, वॉश करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका था क्लीन द अफेक्टेड एरिया विद कॉटन वूल सॉकेट इन एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशंस होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ आता है ये फर्स्ट एड के साथ, उसमें कॉटन क्लोथ्स को जो है वहाँ पे इमर्स करके डुबा के क्या करना है, इसके बाद आपको उस जगह को क्लीन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लेस ए थिक पैड ऑफ कॉटन, इसके बाद फिर से एक कॉटन के पैड लेके क्या करना है, कॉटन वूल के पैड लेके और स्टेराइल गॉज ऑन द वॉन्ड एंड प्रेस इट विद योर थंब एंड फिंगर, इसके बाद जो स्टेराइल गॉज होता है, ठीक है, उसको अपने हाथ में लेके उस वॉन्ड के ऊपर लगा के उसको क्या करना है, अपने थंब या फिंगर से प्रेस करके रखना है, ठीक है। देखिए जैसे नीचे किया हुआ है, ओके ओके। दिस विल स्टॉप ब्लीडिंग इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर ये ज़्यादा केस में क्या करता है, ये हमारे ब्लड को जो है रोकने में मदद करता है, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं होने देता है। देखिए, अ टॉनिक्विट कैन बी यूज, ठीक है, टॉनिक्विट को भी वहाँ पे यूज़ होता है। टॉनिक्विट क्या होता है, टॉनिक्विट जो है एक डिवाइस होता है, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे ब्लड वेसल के ऊपर लगा कर देखता है कि ब्लीडिंग स्टॉप है या ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं, ठीक है, या ब्लड हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है कि नहीं, ठीक है। दिस इज़ ए बैंडेज टाइटली टाइट ओवर द वॉन्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग, इससे क्या होता है, हमारे बॉडी के ऊपर लगाने से या बैंडेज को जैसे हम टाइटली वहाँ पे हमारे वॉन्ड के ऊपर लगाता है, वो हमारे ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए,
When the skin is covered by a dirty or rust object, ठीक है, जब आपके स्किन जो है किसी ऐसे गंदे चीज़ से, ठीक है, जिसके ऊपर डटी डट लगा हो, डस्ट लगा हो, या ठीक है, या रस्ट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कॉराजिन सुबह हो, जंग लगा हो, ऐसे ऑब्जेक्ट से अगर आपका स्किन कट होता है, जब मैं इंटर एंड कर्ज अ डेंजरस डिजीज कॉल टैटेनस, ठीक है, ऐसा एक आपके बॉडी के अंदर डिजीज़ क्रिएट होगा, ठीक है, जर्म्स में इंटर एंड कर्ज, ठीक है, जर्म्स जो है आपके बॉडी के अंदर इंटर तो होगा ही होगा, ठीक है, और वो एक ऐसा ख़तरनाक डिजीज़ वहाँ पे क्रिएट करता है जिसका नाम टैटेनस होता है, ठीक है। कंसल्ट ए डॉक्टर फॉर एन एंटी टेटेनस इंजेक्शन, इसके बाद आपको उस टेटेनस के अगेंस्ट जो है इंजेक्शन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नीचे आपको कुछ डायग्राम्स दिया हुआ है। देखिए, अ टर्निकेट इज अ टाइट बैंडेज दैट इज यूज फॉर स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ए वुंड, ठीक है। टर्निकेट जो है हम डिवाइस भी होता है, ठीक है, या हम टाइट जो बैंडेज होता है हम जो आपने वॉन्ड के ऊपर लगाता है, ठीक है, जैसे ही वो टर्निकेट हम अपने वॉन्ड के ऊपर लगाता है वो क्या करता है, हमारे ब्लड की फ्लो को स्टॉप करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए, बैंडेजिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और नीचे आपको लगा दिखाया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के ऊपर क्या लगाया हुआ है, बैंडेजेस लगाया हुआ है, ठीक है। तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं पर रखेंगे, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।